भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियली डेवलप्ड पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी को भी हम शुभकामना देते हैं कि भाड़ा पर ही ला करके इतनी बड़ी रैली करके दिखा दे। जनता दल यूनाइटेड ने भीम संसद का आयोजन क्या किया, बिहार में अब सियासी बखेड़ा शुरू हो गया। भीम संसद में भारी संख्या में भीड़ उमड़ी थी, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के झलकारी बाई जयंती में भीड़ नहीं उमड़ी। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर हमलावर है, और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया गया था, पैसे का भरपूर इस्तेमाल किया गया। तो ऐसे में अब इसको लेकर करारा जवाब दिया है बिहार सरकार के मंत्री नीतीश के करीबी अशोक चौधरी ने। सीधे तौर पर क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, पहले हम आपको सुनाते हैं। ये सब तो एक्सपेक्टेड है, इधर सामने देखो, ये सब एक्सपेक्टेड था और सरकार को ये सब पता था, तभी तो हम लोगों ने भारत सरकार से आग्रह किया है कि इसको नौवीं सूची में डाला जाए। नौवीं सूची में डलने के बाद इस तरह के जो लीगल बैटल, जो न्यायिक प्रक्रिया है, वो सब पर रोक लग जाएगी। लेकिन राज्य सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है और ये लंबी लड़ाई है, ये कोई लड़ाई मामूली नहीं है कि हम लोग कोई निर्णय करेंगे कुछ हो जाए। जो असमानता हजारों हजार वर्ष से चलते आ रही है उसको ख़त्म करने के लिए तो लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी, और हमारी नीतीश जी इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं। जैसे जातीय गन्ना के लिए बैटल को हम लोगों ने जीता है, इस बैटल को भी हम लोग जीतने का काम। मंत्री जी, आपका जो कल कार्यक्रम बुलाए थे, नहीं अरे ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियली डेवलप्ड पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी को भी हम शुभकामना देते हैं कि भाड़ा पर ही ला करके इतनी बड़ी रैली करके दिखा दे। तो उन लोगों ने बापू सभागार में तांत्रिक सम्मेलन भी किया था। नहीं, हम वो सब पर हम उसके ऊपर कोई टिका टिप्पणी नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी है, उसका काम करने का अपना तरीका है। लेकिन क्योंकि आरोप हमारे ऊपर लगाया गया कि हमने भाड़े पर लोग बुलाया था, तो भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे ज़्यादा फाइनेंशियली रिच पार्टी है अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल रिपोर्ट। हम भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिसने, हम भारतीय जनता पार्टी के सभी को नहीं कह रहे हैं, जिस नेता ने ये आरोप लगाया है उनसे मेरा आग्रह है कि फंडिंग करा के भारतीय जनता पार्टी से रैली करा ले। सरकारी साफ तौर पर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि पैसे तो भाजपा के पास सबसे ज़्यादा है, सबसे बड़ी और सबसे पैसे वाली पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी जो है वो इतना बड़ा सम्मेलन क्यों नहीं करा पाई, अगर उनके पास सबसे ज़्यादा पैसे हैं तो वो भीड़ क्यों नहीं जुटा पाई। वहीं जाति आधारित जो आरक्षण है उस पर अब वो पटना हाईकोर्ट पहुंच चुका है। तो ऐसे में मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि हम तो इसके लिए तैयार बैठे हैं, सरकार तो ये जानती थी कि ये होना है, कोई दिक्कत नहीं है, लड़ाई लड़ेंगे, और जो फैसला हुआ है वो बिहार के हित में है। जाति आधारित गणना में भी पेच फंसाया गया था, उसी तरह अब जो आरक्षण में बढ़ोतरी हुई है उस पर भी पेच फंसाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जा रही है। विशाल भारद्वाज, NBC 24 न्यूज़, पटना।